दोस्तों एक बात पता आपको बताना चाहता हूँ, सब लोग समझिए, देखिए YouTube पे लोग क्यों आते हैं, पैसा कमाने आएंगे या फिर कोई लोग नॉन प्रॉफिट करने आते हैं। तो इसी तरह का एक चैनल था मोटिवेशनल वीडियो वाला, कौन सा आप समझ गए होंगे, संदीप महेश्वरी नाम का दोस्तों। तो उनके साथ क्या हुआ, देखिए वो खुद बोले कि अब मैं YouTube पे चैनल नहीं चलाऊंगा। तो नहीं चलाने का मतलब क्या होता, देखिए उनको अपने चैनल पे एड पसंद नहीं था। YouTube क्या कर रहा था, भर भर के उनकी हर एक वीडियो में एड देता रहा। अब देखिए वो नॉन प्रॉफिट वाला चैनल है उनका, और वो एड आ रहा, मतलब वो क्या करना चाहते थे, जो उनके व्यूवर्स थे उनको सिर्फ वो ज्ञान देना चाहते थे, उनको एड दिखाना नहीं चाहते थे। अगर उनको पैसा ही कमाना रहता तो वो ऑब्जेक्शन नहीं उठाते। अब देखिए जो अपने चैनल को ग्रो करना चाहते हैं, एड दिखवाना चाहते हैं, उनको यूट्यूब नहीं देता। अब यूट्यूब का भी एक एल्गोरिथम, अगर आपका चैनल मोनिटाइजेशन हो गया तो वो तो एड देगा ही, पर उसमें एक ऑप्शन ये भी होना चाहिए, अगर जिसका चैनल नॉन प्रॉफिट है, मतलब उसके चैनल में कोई पेमेंट नहीं होती, तो उनको एड नहीं देना चाहिए। तो वो कहा किए, उनको उस चीज़ से परेशान होने के बाद वो कहा कि वो सीधा बोले कि हम मैं अपने चैनल पे काम नहीं करूँगा। तो उसी चीज़ को देखते हुए वो एक नया चैनल अपना डायरेक्ट यूट्यूब में नहीं, अब वो खुद का अपना एक वो बना लिए सोशल मीडिया, मतलब क्या अपना खुद का एक साइड बना के वहाँ वीडियो डाल रहे हैं, है ना। उनका नाम नीचे देख लो, मैं डायरेक्ट बता नहीं सकता उनका क्या साइड है, किस तरह वो खुलेगा, वहाँ उनकी वीडियो मिलेगी। तब देखिए जो छोटे मोटे क्रिएटर उनका तो ठीक है, वहाँ 20 मिलियन लोग हैं उनके, ठीक सब्सक्राइबर जो, वो उनको अब वहाँ पर एडजस्ट होने में काफ़ी टाइम लगेगा, और उनकी पुरानी वीडियो यहाँ जितनी ही वो तो रहेगी। तो कहीं ना कहीं यूट्यूब को ये ध्यान देना चाहिए कि जो नॉन प्रॉफिट वाला चैनल है उनमें एड ना आए, उनका कुछ एल्गोरिथम को ऐसा सेट करना चाहिए या फिर कुछ भी कर। देखिए उनकी वीडियो सब देखते थे, मैं खुद देखता था उनकी वीडियो। अब होता क्या था, वो अच्छी टॉपिक जैसे समझाते थे एड आ जाता था, तो एड को वो उन्होंने बंद नहीं किया यूट्यूब ने, तो वो डायरेक्ट ये बोले कि अब मुझे चैनल में रहना ही नहीं है, अब उस पर वीडियो नहीं बनाएंगे। अब ये देखना पड़ता है कि वो सही में वीडियो नहीं बनाएंगे या अभी बोले शायद वो बाद में वहाँ पर वीडियो बनाए, अगर यूट्यूब ऐसा कुछ कर दे कि एड ना आए उनके चैनल पे। वो तो बात की बात है, जो अभी करेंट की बात है वो क्या है, वो अपना खुद का वहाँ पर एक पेज बना चुके हैं गूगल पे जाके डायरेक्ट। आप भी वहाँ पर जाके उनकी वीडियो के, अगर आप व्यूवर्स हो, उनकी वीडियो आपको अच्छी लगती हो, तो आप वहाँ भी जाके देख सकते हैं उनकी वीडियो, और जो पुरानी वीडियो आपको यूट्यूब में तो वो मिल ही जाएगी, हाँ। तो इस चीज़ को देख के यूट्यूब को ये करना चाहिए कि ऐसे बहुत से चैनल होंगे जो नॉन प्रॉफिट के होंगे, तो उनके लिए कुछ ऐसा सेटिंग या एल्गोरिथम होना चाहिए कि उनके चैनल में एड ना आए। अब देखिए एड भी आता है तो एकदम भर भर के आता है एड, ये तो सिर्फ मतलब जो क्रिएटर है उनको फायदा है, और व्यूवर्स कभी देख रहा तो इतने एड आते हैं, इतने एड आते हैं कि लोग परेशान हो जाते हैं। तो कहीं अगर आपको एड भी देना तो एक शुरू में दे दीजिए, एक आखिरी में तो नहीं, बीच बीच में पूरा भरे रहता है एड। तो यही इसी कारण उनको समझ में नहीं आया, तो वो अपना खुद का एक दूसरा चैनल बना लिए, है ना। तो यूट्यूब में नहीं वो बाहर है, तो समस्या ये है उनके लिए। अब देखिए जो उनका वहाँ तो ग्रोथ हो जाएगी उनको, उनको पेमेंट से कोई मतलब नहीं था, तो यूट्यूब को भी ये सोचना चाहिए कि वो पेमेंट तो ले नहीं रहे तो कम से कम एड को रोक देना रहा उनके चैनल से, है ना। तो एड रुक जाता तो कहीं ना कहीं लोगों का फायदा होता। देखिए मतलब एक शिक्षा वाली वीडियो थी, ना कोई गाना सॉन्ग इस तरह का था नहीं, और YouTube में सबसे ज़्यादा वायरल होती आए बाएँ जो वीडियो बनती वो सबसे ज़्यादा वायरल हो जाती है, उनको पेमेंट मिलने लगता है, जो सही वीडियो बनाते हैं उनको कुछ समय लग जाता है। तो यही चीज़ बताना चाहता था, जो संदीप महेश्वरी जी हैं उनका चैनल में अब वीडियो नहीं आएगी, उन्होंने ऐसा कहा है, हो सकता आगे कभी आए दोस्तों। तो इसी तरह का वीडियो और देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करिएगा।